तो राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग 19 जून को होनी है और आज आपको बता दें कि आज 17 जून को, इससे पहले 17 जून को रांची के सरला बिरला स्कूल में बीजेपी के पॉलिटिकल क्वारंटाइन सेंटर में सभी विधायकों को रखा गया। सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई। एनडीए की बैठक पर एक रिपोर्ट देखिए। सरला बिरला स्कूल में विधायकों का जमावड़ा, हॉस्टल में बीजेपी विधायकों के रुकने की व्यवस्था, यहीं विधायकों का प्रशिक्षण, फिर यहीं से विधायक जाएंगे सीधे वोटिंग के लिए। राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसे लेकर एनडीए ने अपनी बैठक की। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, उनके एक तरफ बाबूलाल मरांडी और दूसरी तरफ सुदेश महतो। अब इस तस्वीर को समझ भी लीजिए और फिर इन बयानों को सुन लीजिए। की बैठक आहूत की गई थी और 19 के राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय दीपक जी के पक्ष में वोट करने का जो पहले ही पार्टी ने निर्णय लिया था, प्रस्ताव हमारे पार्टी के विधायक भी प्रस्तावक भी रहे थे। 1000 बैठक थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल हमसे मिले थे और एक अच्छा संदेश उनका कि झारखंडी विचारधारा को मजबूत करने की पहल करनी चाहिए, एक विषय। जहाँ तक राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में है तो आदरणीय गुरुजी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास पर्याप्त वोटर हैं कि आदरणीय गुरुजी राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। अच्छा यही होता कि एक बेहतर परंपरा को जगह देते हैं और दो ही कैंडिडेट होते हैं। बात है, आपने जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं माननीय दीपक प्रकाश जी, उसको जीत दिलाना है। जीत तो इसे निश्चित रूप से तय है हम सबों को और ज्यादा से ज्यादा और बहुमत लेकर के हम जीते, ये हम सब और सारे एनडीए के जो हम लोग घटक दल हैं सारे लोग बैठक में थे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दीपक प्रकाश जी का जीत सुनिश्चित है। बैठक हुई, बैठक के बाद कई विधायक चले गए तो कई विधायकों के रुकने की व्यवस्था वहीं सरला बिरला स्कूल के हॉस्टल में है, जहां दो बसों से सीधे विधायक वोटिंग के लिए जाएंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग के दृष्टि से थोड़ा बड़ा और खुला हुआ जगह चाहिए था, तो उस नाते एक इस प्रकार का स्थान चयन किया गया है जहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम रह सकें। क्या डर है बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सामान्य प्रक्रिया है। हर बार लोकसभा और विधानसभा, ये राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने विधायकों के साथ बैठती है, वहाँ वोटिंग का प्रक्रिया वगैरह कई विषय रहता है, चर्चा होती है, ये आम तौर पे होने वाली बैठकें हैं, अलग से कोई डर का विषय नहीं है। राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने हर सावधानी का ख्याल रखा है। एक दिन पहले ही चर्चा सीएम और सुदेश महतो की मुलाकात को लेकर हो रही थी और अब खुद आज सुप्रीमो ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। सियासत के हर सवाल का जवाब वक्त के पास है, तो इंतजार कीजिए उस वक्त का ताकि पता चल सके कि राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए ऊंट किस करवट बैठेगा। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए अविनाश कुमार के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। और एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद सीएम आवास में यूपीए विधायक दल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें यूपीए के सभी विधायक मौजूद रहे। इस दौरान एनसीपी के कमलेश सिंह और माले विधायक विनोद सिंह भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। तो 19 जून का हर किसी को इंतजार है कि आखिर इस राज्यसभा के रण में किसकी जीत होगी और किसकी हार, लेकिन इसको लेकर जो तमाम रस्साकसी है, रणनीति है, वो तमाम दल, दोनों दल बनाते नजर आ रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंजनी जुड़ चुके हैं रांची से। अंजनी, 19 जून का इंतजार करना होगा, सारी तस्वीर सामने होगी, लेकिन उससे पहले हमने ये देखा है कि लगातार एनडीए यूपीए दोनों दलों की बैठक हुई है, बैठक में रणनीति बनाई गई। सीबू सोरेन का लगभग क्या उनका तय है, लेकिन मुकाबला दो सीटों पे सबसे ज्यादा यहां पर एक सीट पे कांग्रेस और बीजेपी में दिख रहा है। दोनों के अपने अपने दावे, अपनी अपनी रणनीति। देखिए, झारखंड के लिए जो है दो सीटों के लिए कल 19 जून का दिन है और कल मतदान डाले होंगे, तो गुरुजी का तो जीतना लगभग पूरी तरह से तय है।
खाली एक औपचारिक जो घोषणा है वो होनी होना बाकी है, ऐसे तमाम चीज़ें सब कोई के सामने। लेकिन जिस सीट पे दीपक प्रकाश हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो ऐसे देखने से तो आंकड़ा ये जरूर बता रहा है कि दीपक प्रकाश की जीत तय है। लेकिन झारखंड की राजनीति में जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं, अमिता, आप तमाम चुनावों को एक बार देखेंगे तो जो दिखता है वो होता नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है, ऐसे देखने से लग रहा है कि दीपक प्रकाश की जीत तय है। आखिर क्या वजह है कि तमाम विधायकों को जो है सारला बिरला स्कूल में रखा गया है, और कल जब ये सवाल पूछा भी गया तो कहा गया कि नहीं, ये एक बैठक हो रही है। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई है? आखिर कहीं ना कहीं किसी तरह का डर है, ऐसा लगता है कि क्रॉस वोटिंग हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि कोई अनुपस्थित हो सकता है, तो तमाम चीज़ों का जो एक भय है वो बीजेपी में साफ नज़र आता है। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष की हम बात करें, जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो तमाम लोगों के हौसले बुलंद हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कल एक बयान दिया कि ये चुनाव जो है बीजेपी को क्लीन बोल्ड करेगा, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि राजनीति में जो रणनीति बनता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, और वो भी झारखंड के राज्यसभा के चुनाव में। तो कल का जो दिन होगा काफ़ी रोमांचक होगा। बिल्कुल, कल का दिन रोमांचक होगा, जिन्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी जो वो खलबली है तमाम नेताओं में, दोनों दलों में, वो देखते बन रही है। लेकिन इंतजार, जो भी औपचारिक ऐलान होगा, जो परिणाम होंगे, उसके लिए कल का इंतजार आप सभी को, हम सभी को करना होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस सकता